तो खाला आपको कोई शिकायत नहीं है ना? अरे सईद मियां, ये कह के शर्मिंदा कर रहे मुझे। तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। बस मेरी दुआ है कि अल्लाह तुम लोगों को खुश और आबाद रखे, कोई दुख और तकलीफ तुम लोगों की जिंदगी में ना आए। अब तो खुश है ना मुझाना? अब आपकी बेटी भी मकान के मालिक है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत मुबारक हो। सईद मियाँ की कदर करो, ऐसा चाहने वाला मर्द नसीबों से मिलता है। इनकी कदरदान तो मैं पहले से ही। देखो शर्मा के चली गई। अच्छा वो सईद मियाँ, निकाह में कितने लोगों को ला रहे हो तुम? ज्यादा रश करने की जरूरत नहीं है खाला जी, बस चंद दोस्त होंगे, मोहल्लेदार होंगे और निकाह खान जो है वो मैं लेता आ जाऊंगा। और तुम्हारी माँ और बच्चे? उनका आना जरा मुश्किल है खाला जी, वो बच्चे और अम्मा जो है वो मारुख का घर पर इस्तकबाल करेंगे ना। चलो ठीक है, बस अल्लाह मेरी बेटी का नसीब तुम्हारे साथ जोड़ा रखे। आमीन। खुश रहो। सिला तुम्हें पता है कल बाबा की शादी है और मैं उनके साथ कार में बैठ के जाऊंगा। वो तुम्हें लेकर जाएंगे? पता नहीं, लेकिन मैं उनसे कहूंगा जरूर। शानी तुम ऐसा करना, बाबा से कहना कि वो हमें भी अपने साथ ले जाएं। कहाँ जाना तुम लोगों को? आप ही, कल बाबा की बारात है, हम भी जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है सिला। दादो आप बाबा से कहिएगा कि वो हमें भी अपने साथ लेकर जाएं। सिला तुम्हें मेरी बात की समझ नहीं आई? हमारा अब्बा की बारात से कोई ताल्लुक नहीं है। दादो दुआ को हुआ क्या है? दादो आप जाएंगे बारात के साथ? बेटा हम क्यों जाएंगे, हमारा क्या ताल्लुक? हम घर पर रहेंगे सिला। ठीक है, फिर हम घर पर रह के बाबा का कमरा सजा लेंगे। सिला अब्बा का कमरा सजाने की कोई जरूरत नहीं है, उनको जो करना है वो खुद कर लेंगे।